बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बिहेवियरल पैटर्न्स पढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज़ का इससे पहले जो है हम क्रिएशनल पैटर्न्स पढ़ चुके हैं। आइए अब बिहेवियरल पैटर्न्स देखते हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स करेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद कमांड पैटर्न, एक्चुएटर पैटर्न, मीडिएटर एंड ऑब्जर्वर पैटर्न्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि बिहेवियरल पैटर्न्स होती क्या। जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास एन टीयर आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन हो सकती हैं, जहाँ पे मल्टीपल टीयर्स हों, यानी क्लाइंट हो, सर्वर हो, बिजनेस लॉजिक हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है वो लूजली कपल्ड हो, वो बहुत टाई अप ना हो बिजनेस लॉजिक के साथ। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये बिहेवियरल पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं गैंग ऑफ फोर क्या कहते हैं बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में, कि बिहेवियरल पैटर्न्स आर कंसर्न विद द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और इनकैप्सुलेटिंग बिहेवियर इन एन ऑब्जेक्ट डेलीगेटिंग रिक्वेस्टेड। आइए हम देखते हैं डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होते हैं। और सबसे पहले उसमें देखकर कमांड पैटर्न को देखेंगे। लव्स कमांड से ही बात समझ में आती है कि समथिंग रिलेटेड टू कमांड। कमांड पैटर्न जो है बिहेवियर पैटर्न आता है, और इसके सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये सेंडर और रिसीवर को डीकपल करता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं और उनमें डिफरेंट फाइल मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें डू अनडू ऑपरेशन होते हैं, एडिट, ओपन, क्लोज फाइल, ये सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं। अगर नॉर्मल तौर पर इंसान सोचे कि किस तरीके से जो है मैं इसको प्रोग्राम कर सकता हूँ, तो इवेंचुअली होगा क्या, वो एक सिंपल एक फंक्शन लिखेगा, उस फंक्शन में जो है कमांड का पैरामीटर होगा और इफ एंड एल्स के बहुत सारे जो है इसमें ब्लॉक्स होंगे, जिसमें चेक करेगा अगर इफ ओपन है तो ये काम हो, फाइल ओपन की जाए, क्लोज हो तो फाइल क्लोज की जाए, डिलीट हो तो फाइल डिलीट की जाए एंड सो ऑन। लेकिन एक्चुअली इससे नुकसान क्या होगा, एक नुकसान इससे ये होगा कि आपकी जो कॉलिंग है इस फंक्शनैलिटी की, ये थोड़ी फिक्स हो गई, हार्ड कोड हो गई है। अगर आप उसको चेंज करना है तो आपको जाना है कोड को चेंज करना है। तो कोई एक ऐसा तरीका हो जिसमें अगर आप कमांड यूज़ करें और वो काम परफॉर्म हो जाए, और वो काम इतना डीकपल हो कि जिससे अगर आप कोई नई कमांड आपको इंट्रोड्यूस करानी हो तो आपको कोड को इतना चेंज ना करना पड़े। उसके अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास डू अनडू का ऑपरेशन है कि आप कुछ काम करते हैं अपने वर्ड एडिटर में और लेटर ऑन आप चाहते हैं कि इसको अनडू कर दें, तो इसमें भी आपको एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके अंदर आप कमांड्स को स्टोर करें कि भाई इससे पहले कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट हुई थी, और लेटर ऑन अगर आपको उनको अनडू करना हो तो आप उन कमांड्स को रिट्रीव करके और वही ऑपरेशन दोबारा मतलब रिवर्ट करके आप उस स्टेट में दोबारा आ सकते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे पास विजर्ड्स भी हैं कमांड पैटर्न की, जिसमें हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं कि नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट होता है, फिर फला चीज़ नेक्स्ट, और अगर वापस आना तो ऑलवेज बैक का बटन होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि मिसाल से बात ज़्यादा समझ में आती है। आइए देखते हैं यहाँ पे एक मिसाल कि हमारे पास एक शख्स जो है वो बिरयानी का ऑर्डर देने आया हमारे रेस्टोरेंट में। सबसे पहले क्या हुआ जो है सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्डर आइटम बनेगा, ऑर्डर लिस्ट होगी हमारे पास। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर सारे आइटम्स होंगे कि भाई सीज़र को क्या क्या चाहिए, बिरयानी चाहिए और एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। और ये ऑर्डर लिस्ट पास हो जाएगी किसको, और ये ऑर्डर लिस्ट पास हो जाएगी हमारे रेस्टोरेंट के काउंटर को। ये हमारा सर्विंग काउंटर है जिसमें हमारा ये शेफ है। तो ये क्या करेगा, इस ऑर्डर को लेगा और हमें क्या करेगा, बिरयानी रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर प्लेसमेंट हुई और यहाँ क्या हुआ, सर्विंग हो गई।
आइए अब इस मिसाल में देखते हैं कि इसको हम वाजे करके देखते हैं कि भाई ये हमारे पास कस्टमर है इसको और वो ऑर्डर प्लेस करता है और वेटर क्या करता है इस ऑर्डर को प्लेस करता है कुक को और कुक उसको क्या करता है उसको बनाता है और हमें बिरयानी रिटर्न कर देता है। आइए अब इसका कोड वॉक थ्रू देखते हैं कि भाई ये कमांड पैटर्न में किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। आइए मिसाल को देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये रेस्टोरेंट की मिसाल थी जो हमने देखी। तो लेट सपोज़ कि हमारा वेटर कमाल भाई है और ये कुक जो है मिस्टर फरहान है और जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया वो क्या है वो सिंधी बिरयानी का ऑर्डर दिया। तो आपने सिंधी बिरयानी का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें कुक के ऑब्जेक्ट को रख दिया, सेट कमांड कर दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, आप वेटर को कॉल करेंगे और वेटर में सेट कमांड का ऑब्जेक्ट रखा आपने और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितना सिंपल है। कल अगर कोई और कमांड आ जाए यहाँ पे तो आपको सिर्फ करना है क्या है, आपको दूसरी नई कमांड रखनी है, दूसरी कमांड को सेट करना है और ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो वेटर को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई कि हमारे जो हमें ऑर्डर मिल रहा है, मेन्यू जो मिल रहा है वो क्या है, वो जो भी ऑर्डर मिलता है वो उसको सेट करना है और प्लेस ऑर्डर कर देता है। और इस प्लेस ऑर्डर के अंदर और हम इसको ज़रा गौर से देखें तो ये हमारा आई कमांड इंटरफेस हो गया जिसके अंदर हमने जो है एग्जीक्यूट का मेथड रखा है। अब जो कमांड भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी, फॉर एग्जांपल ये कमांड ने इम्प्लीमेंट किया तो इसके अंदर वो जो है रिसीवर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें उसका मेथड कॉल करेगी और वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो और ये हमारा क्या है, ये हमारी सिंधी बिरयानी जो हम क्रिएट करेंगे और ये हमारा वेटर है जिसमें कमांड सेट करते हैं और हम ऑर्डर प्लेस होता है हमारा। तो इस यूनिट डायग्राम के अंदर जो है हमारा जो क्लाइंट है, यह वो क्लाइंट है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है बिरयानी का और फिर हमारे पास ये रिसीवर जो है ये वो कुक है जो खाने को पकाएगा और सेट कमांड जो है इनवोकर ये हमारा वेटर है वो हमारी कमांड इंटरफेस और ये हमारी क्रिएट ऑर्डर कमांड है। तो इससे पता चला कि कितना आसानी के साथ आप इनवोकर को यानी जो कमांड इशू कर रहा है और जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको डीकपल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि भाई जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस पैटर्न में उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कमांड डिक्लेयर एन इंटरफेस फॉर एग्जीक्यूटिंग एन ऑपरेशन, हमारा इंटरफेस है जिसमें एग्जीक्यूट मेथड और कंक्रीट कमांड जो भी कमांड जो इस कमांड को इम्प्लीमेंट करेगी, इसकी मिसाल हमारे पास बिरयानी और बाकी चीज़ों की थी और कोई भी डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। क्लाइंट जो है जो कमांड कहेगा कि उसे क्या चाहिए, इनवोकर जो उसको उसमें इस्तेमाल होगा और जब रिसीवर को चलाएगा। आप देखेंगे हम इसके कौन से और बिहेवियर से जिनमें हम कमांड पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसमें जो है ट्रांजैक्शन बिहेवियर जो होता है हमारे पास जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस की जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फॉर सम रीज़न अगर कोई मेल फंक्शन हो जाए तो आप उसको अनडू कर दें। तो कमांड पैटर्न का एक और जो ख़ास इस्तेमाल है वो ये है कि ये अनडू ऑपरेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप पिछले वाली एग्जांपल के अंदर भी अगर मिसाल के तौर पर आप एक क्यू आइटम डाल देते किसी तरीके से जिसके अंदर से जो कमांड्स को आप ऐड कर रहे होते हो, रिमूव कर रहे होते हो, पिछली कमांड को स्टोर कर सकते तो उसके अंदर भी आप इस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डू अनडू के ऑपरेशन हो गए, क्यूइंग हो गई, ये सारे के सारे काम जो है आप कमांड पैटर्न से कर सकते हैं। इसकी विजर्ड भी बहुत अच्छी मिसाल है कि क्योंकि इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि आपको कोई ना कोई ऑपरेशन जो इसको हमेशा बैक करने का ऑप्शन होता है कि कोई भी आप सेटअप चल रहा है आप नेक्स्ट करते हुए जा रहे हैं, मिसाल विंडोज़ का सेटअप है, आपने कीज़ डाली हैं दूसरी चीज़ें डाल ली और अगर आपको वापस जाना है बैक फॉर सम रीज़न यू कैन ऑलवेज गो बैक, तो इसके अंदर भी कमांड पैटर्न इस्तेमाल होगा। कमांड फेड्स के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो ये है कि इट्स सेपरेट्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन फ्रॉम वन दैट नोज हाउ टू परफॉर्म इट। बहुत आसान कि जो आदमी ऑपरेशन कॉल करा उसे पता कौन कॉल करेगा। अगर इस चीज़ को आप लूज़ कर दें जिसका मतलब है कि आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस जो हैं उनको उनके अंदर जो है जो टाइट कपलिंग इसको हटा दी आपने और फॉर सम रीज़न अगर इसमें कुछ लेटर ऑन चेंज भी आए तो वह करना आसान है। और क्या कर सकते हैं आप, यू कैन वेरी इजीली
ऐड न्यू कमांड्स, आपके मेन्यू में जितनी भी नई चीज़ें आएँ, जितनी भी नई कमांड्स आप उनको ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जाके अपना इफ एंड एल्स का या कोई भी कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना कमांड पैटर्न ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके बाद हम आइटरेटर पैटर्न को देखेंगे इंशाल्लाह।